लेट्स गिव एन एनर्जेटिक एंड बॉम्ब वेलकम टू द वन एंड ओनली गगन प्रताप सर प्लीज बैटियर बैठियर सर वैसे तो मैंने पंद्रह हजार से ज्यादा लाइव क्लास लिया दो लाख से ज्यादा स्टूडेंट को एजुकेट किया है बट मैंने कुछ जीवन में अचीव किया है और मैं अच्छा कर रहा हूं लोग मुझे पहचान रहे हैं वो एहसास आज हो रहा है सर आपके साथ बैठ के अरे सर क्या बात और <laughs> नहीं सर आप कमाल का काम कर रहे हैं आई मै से दैट क्योंकि एक मैथमेटिक्स के टीचर के लिए तीन मिलियन सब्सक्राइबर्स बहुत बड़ी बात होती है सर यूट्यूब पे आने का आइडिया आपके अंदर कहां से आया ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है सर Uh, मैं बुलंदशहर में छोटा सा गांव है भर्रा रहा वहाँ से बिलोंग करता हूँ और एक्चुअली छः साल तक कोई पढ़ाई नहीं कोई एजुकेशन नहीं गांव में कोई ढंग का स्कूल नहीं तो मेरी मदर बोली ऐसे तो हमारा लड़का खराब हो जाएगा कुछ पढ़ नहीं पाएगा वो कि मैं दिन भर मिट्टी में खेलता रहता था दंगल जैसे हाँ। <laughs> हाँ, हाँ। <laughs> हाँ, हाँ। तो मम्मी ने पिताजी को फोर्स करा कि हम हमारा जो पास का नजदीक वाला टाउन है श्याण उसमें रह के चलते हैं तो पिताजी पंद्रह सौ और दस किलो आटा लेके जो है हम श्याने में आ गए और हमने वहाँ पर रूम लिया रेंट पे

उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी हो है सर हमारे यूपी में तो मैंने वहाँ पे फॉर्म भरा और मेरा एक कॉलेज में एडमिशन हो गया बीटेक में लेकिन बीटेक करने के दरमियान ही फोर्थ ईयर में मुझे किक मिल गई कि आ, ये तो मेरा स्कोप है नहीं क्योंकि मैंने बीटेक में बीटेक के अलावा सब कुछ करा <laughs> 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 अब वो सब कुछ क्या है वो बताने की जरूरत नहीं है <laughs> <laughs> क्योंकि सब कुछ नहीं बताया जाता है कुछ कुछ समझा भी जाता है फोर्थ ईयर में मैंने एक बार को सोचा कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते तो मैंने कोचिंग भी ज्वाइन कर ली वहां जब मैं गया तो मुझे वहां पे टीचर्स पढ़ा रहे थे मुझे उनका काम बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि यार ये काम तो मैं भी कर सकता हूं तो मैंने उनसे पूछा कि यार आप इस फील्ड में कैसे आए तो उन्होंने बताया कि कुछ नहीं है पहले डाउट क्लासेस से शुरू करो छोटे मोटे कामों से शुरू करो एक दिन आप अपने आप बड़े बन जाओगे मैंने कहा तो मैं भी कर सकता हूँ फिर तो मैंने वहाँ पे छोटी मोटी कोचिंग्स पर डाउट क्लासेस लेना शुरू कर दिया जब डाउट क्लासेज बच्चों को इतने इंटरेस्टिंग इतने सिंपल वे में बताता था कि स्टूडेंट बोले कि सर वो जो डाउट वाला मास्टर है ना छोटा सा जो है उसको लाओ इम फुल वाले सर को हटाओ सर अच्छा अरे वाह उसके बाद ये जो है मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी तो कर ही रहा था साथ के साथ लेकिन इंटरेस्ट बन गया टीचिंग में पूरी तरीके से और मुझे स्पार्क मिला कि यही काम करना है तो गवर्नमेंट जॉब तो रहेगी इधर और मैं निकल गया उधर टीचिंग हाँ। वाली लाइन में और, और टीचिंग आपने कहां से शुरू करी ऑफलाइन से शुरू करी या सीधा यूट्यूब से शुरू करी ऑफलाइन ऑफलाइन मैंने पढ़ाया छ महीने डाउट क्लासेस ली महीने राजस्थान पढ़ाया छह महीने अंबाला पढ़ाया छह महीने निर्माण विहार पढ़ाया लेकिन दो के जमाने में जब फ्री जियो का आया हाँ। और मैंने देख लिया था कि फ्री जियो का इतना असर था कि मैं गांव के बच्चे थे जो छह महीने तक ऑफलाइन ही नहीं हुए थे छ छ महीने तक व्हाट्सएप ही देख रहे हैं 24 घंटे उसी पे लगे रहे यूट्यूब भी दिन भर देख रहे हैं मैंने कहा यार ये अपना समय खराब कर रहे हैं और यूट्यूब ही आने वाले जमाने का फ्यूचर है ये एक अच्छी बात है भगवान ने मेरे दिमाग में कैसे डाला कि मुझे आइडिया पहले लग गया कि यूट्यूब ही फ्यूचर है और दो में पूरा एक साल फ्री पढ़ाया कानपुर में मैं गया

आ, लोग धीरे धीरे पहचानने लगे और जर्नी बड़े इंटरेस्टिंग होती है जब आप नए नए आते हो तो लोग कहते हैं कि चार दिन का लड़का है कुछ दिन पढ़ाएगा शांत हो जाएगा फिर उसके बाद जब लोग आपकी स्किल को पहचानने लगते हैं आप धीरे धीरे इंप्रूव करने लगते हो तो लोग आपको दबाने की कोशिश करते हैं कि इसकी टीम को तोड़ दें इसका चैनल बंद करवा दें फिर जब आप एक सर्टेन नंबर ऑफ लोगों के बीच में पहचानने जाते हो आप दिखा देते हो कि यार मैं भी बहुत अच्छा पढ़ा सकता हूँ कम से कम फीस में या फ्री में तो लोग आपको क्रिटिसाइज करने लगते हैं लोग आपको उल्टी सीधी वीडियोस बनाने लगते हैं लेकिन जब आप पूरे पॉपुलर हो जाते हो और मार्केट में आपका एक दबदबा हो जाता है तो वही लोग आपको सर कहने लगते हैं और आपसे आपसे जुड़ना हैं। आप जुड़ना चाहते चाहते हैं हैं हाँ। आपकी वाइफ आई हुई है यहां पर मैं उनसे भी एक बार समझना चाहूंगा क्योंकि वो भी एक दूसरी साइड से एक बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से आप बता सकते हैं हाँ एक बार उनको बाइक दीजिए प्लीज जब इन्होंने शुरुआत करी थी अपने करियर की तो आपको ये आइडिया था कि एक दिन इस लेवल पे ये पहुंचेंगे मतलब इतना कुछ अचीव करेंगे सर ये शुरू से यही कहते थे कि एक दिन इतना बड़ा काम करूंगा कि एक ही दिन में सब कुछ कर दूंगा कुछ पीछे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और बहुत हार्डवर्किंग थे मैंने इनका काम देखा सर इतनी सारी बुक्स इतनी मोटी बुक एक दिन में खत्म कर देते थे ये

तो ये एक इंटरेस्टिंग बात हमको पता लगी, देखो सीखने की एक बहुत बड़ी बात है यहाँ पर कि ऐसा नहीं है कि आज ये इतने बड़े लेवल पे पहुंच गए हैं और जैसे कुछ लोगों को लगता है तुक्के से पहुंच गए हैं yes. इनके अंदर शुरू से ही एक अलग ही स्पिरिट थी hmm. एक अलग ही लेवल का एग्रेशन था एक अलग ही जोश था जुनून hmm. था जिस वजह से यहां तक पाए हैं। जब वीकेंड आता है तो ये अपनी फैमिली को इतना होगा क्योंकि एक पोजिशन पे पहुँचने के बाद लोग तो यही सोचते हैं बड़े लोग हैं बड़े आप काम है। भी जाते हैं अपना वहाँ पे हाँ, जाते हैं हर वीक सर खेती भी करते हैं जाके सब कुछ करते हैं अपने बेटे को ले जाते हर चीज देखते तो ये लोगों को नहीं लगता होगा मुझे भी नहीं लगता था लगता था आठ दस गाड़िया और पूरा अपना वो सब नहीं होता। नहीं, नहीं। होता आज कौन नहीं, से नहीं। बंगले में है मैं ही इनकी ड्राइवर हूं। अच्छा। <laughs> 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 हम बीस साल किराए पे रहे तो जैसे थोड़ा बहुत कमाना शुरू करा तो सबसे पहले मैंने एक ही काम करा की बड़ा मकान बनाना है गाँव में पिताजी के लिए तो गाँव में जो है पिताजी के लिए सबसे बड़ी कोठी मैंने बना के दी अपने इलाके में तो आप पिताजी उसमें रहते हैं अब आपके पेरेंट्स

जो मैंने काम करना शुरू किया जिसमें मैं इंटरेस्ट था उसमें धीरे 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 आदमी का ग्राफ चढ़ता है तो मम्मी पापा को भी दिखाई देता था कि लड़का हमारा जो है धीरे धीरे ग्रो कर रहा है बच्चे पहचाने लगते हैं मैं उनको किसी मॉल में ले जा रहा हूं तो बच्चे मिलते हैं पैर छूते हैं तो मैं तो मना कर देता हूँ मैं तो उनको भी लगा कि लड़के को हमारे पहचानने लगे तो फिर उसके बाद उन्होंने सपोर्ट करना भी शुरू करा हेलो सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जब भी हम प्रिपेयर करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तो मैथ्स में क्या होता है कि कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है सारी चीज क्लियर है बट क्या होता है स्पीड अप नहीं हो पाती स्पीड का जो है बस एक ही मंत्र है प्रैक्टिस जैसे सर मैं तीन चार साल से पढ़ा रहा हूँ मुझे इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है की मैं लड़कों को इधर गरियाता रहता हूँ इधर मेरा हाथ चलता रहता है फॉर्मुला सही जा रहा है राइटिंग भी खराब नहीं हो रही लाइन भी ऊपर से नीचे नहीं हो रही तो स्पीड बढ़ाने का केवल एक ही फंडा है प्रैक्टिस दूसरी बात की आपको यह भी पता होना चाहिए कि जो आपने कंसेप्ट पढ़ा है वाकई में सब कुछ पढ़ लिया कि कुछ छोटा तो नहीं है सब कुछ कवर करना है पहले उसके बाद एग्जाम से तीन चार महीने आप पहले आपका सिलेबस खत्म हो जाए तो बहुत ही अच्छा है और उसके बाद तीन चार महीने में आपको डेली दबा के प्रैक्टिस करनी है स्टूडेंट कहता है सर पढ़ तो सब कुछ लिया फिर पूछता हूँ सवाल कितने लगाते हो आप डेली तो हैं पांच लग जाते हैं दस लग जाते हैं मैंने कहा पांच दस से क्या हो रहा कम से कम हंड्रेड क्वेश्चन आपके डेली पर डे होने चाहिए और आप तीन महीने तक लगातार करोगे तो गारंटी है कि आपका जो है सिलेक्शन पक्का होगा सर वन मोर क्वेश्चन टेबल कैसे याद करें टेबल मतलब क्या जैसे पहाड़ी टू टू जो फोर 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 तो इसमें क्या बड़ी बात है मेरे को आते हैं बताओ कौन सा टेबल <laughs> तक तो तक के 10 तक के मेरे को आते हैं टेबल डू यू वॉन्ट हाँ ट्वेंटी अबाउट बताइए सर जवाब दीजिए एक्चुअली कोरोना में जो ऑडियंस आई है ना हाँ। उसकी सर कैलकुलेशन इतनी वीक है हाँ। एक तो पेशेंस नहीं है सर कोरोना में एक नुकसान हुआ है लोगों का पेशेंस बड़ा लूज हो गया जल्दी चाहिए तुरंत चाहिए कैलकुलेशन आजकल की पीढ़ी की जो आ रहा है वो इंग्लिश में तेज है वो टेक्निकल कामों में तेज है सोशल मीडिया चलाने में तेज है लेकिन उनकी मैथ्स की कैलकुलेशन बहुत खराब है टेबल्स तो आपको तीस तक याद करने होंगे और मैं सजेस्ट करूंगा कि टेबल्स हमेशा हिंदी में याद करो अंग्रेजी में जैसे सर ने बोला ना टू वन जै टू गलत बात है टू वन जै टू नहीं सर, <laughs> सर। <laughs> दो एकम दो दो एकम दो आप किसी को भी ले आओ दुनिया में वो मुझसे ज्यादा तेज हिंदी में जैसे मैं पहाड़े याद करता हूँ वो इंग्लिश में बोल ही नहीं सकता कोई भी दुनिया में और

कि डेसिमल का डर आपको दिमाग से हटाना है दशमलव का कोई श्रम वाली बात नहीं है आप किसी छोटे बच्चे की किताब लो और दशमलव का डर उससे हटाओ उससे प्रैक्टिस करो hmm. दूसरा कि पहाड़े तो आपको तीस तक याद करने होंगे इसमें कोई भी शॉर्टकट नहीं है और हिंदी में याद करने hmm. और कैलकुलेशन वही करने जहां जरूरत हो कैलकुलेशन को हमेशा ब्रेक करके करो जैसे कि मैं आपसे कहूं नाइनटी एट इंटू सेवन क्या होता है तो नाइनटी एट की सेवन में कभी गुणा मत करो हंड्रेड माइनस टू लिख के पहले सौ में गुणा करो सात सौ फिर चौदह घटा दो आप छह सौ छियासी इस हिसाब से थैंक यू सर सर आपसे एक क्वेश्चन है कि जो टीचर्स हैं गवर्नमेंट टीचर्स उनका जो इंस्पिरेशन है अभी टीचर्स की लाइन में आने का मतलब गवर्नमेंट के अंदर घुसने का वो चेंज होना चाहिए या नीचे चेंज होना चाहिए जो बच्चे जो यूथ होता है पाँच साल के बाद का उनका जो फ्यूचर होता है वो डिपेंड करता है सर टीचर्स पे भी काफी ज्यादा क्योंकि वो छह घंटे स्कूल में बिताते हैं अपने और जो टीचर्स हैं मेरे खुद के कम से कम दस से बीस ऐसे फ्रेंड हैं जो टीचर्स की तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट की उनका सर ये मोटिव है कि हमको गवर्नमेंट के अंदर इसलिए जाना है कि हम वहाँ पे छुट्टियाँ बहुत सारी मिलती हैं सरकारी नौकरी के अंदर इतना ज्यादा फायदा है जिसकी कोई हद नहीं है और कोई ऑप्शन मुझे सुनने को नहीं मिला सर आज तक उनसे कि ऐसा क्यों है सर ये एक्चुअली ये केवल टीचर्स के लिए नहीं है सभी के लिए आजकल इंडिया के हर एक यूथ को शुरू से ट्रेन किया जाता है एक्सटर्नल मोटिवेशन है लोग जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उसमें है, जो लोग ऑलरेडी लग चुके हैं उनके थ्रू गवर्नमेंट जॉब मैं पर्सनली बता रहा हूं उन्हीं को सजेस्ट करूंगा जैसे घर में तीन बच्चे हैं। तो एक बच्चा गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है क्योंकि गवर्नमेंट जॉब जो है एक ऐसी है कि आप घर में आप चटनी से रोटी खा एक 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 तो हो मैं जॉब होगी तो सब लोग थाली में अच्छा जाए और उनको एक सोचना ना कि कितना बिल बनेगा ये तभी संभव है जब एक बंदा गवर्नमेंट जॉब में हो बाकी दो लोग जो है एंट्रप्रोर करें अपना बिजनेस करें खुद का काम करें तो सबको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में किसी एक्सटर्नल फैक्टर से जो है इंप्रेस होकर बिल्कुल नहीं जाना क्योंकि गवर्नमेंट जॉब जो है वो फाइनल सोल्यूशन नहीं है गवर्नमेंट जॉब एक स्टेबिलिटी लाने के लिए लेकिन अगर आपको कोई लग्जरी लाइफ जीनी है या कोई बहुत बड़ा करना है तो आपको खुद का ही काम करना होगा और ये जो है मैं मानता हूं कि इस बात को चेंज होना चाहिए कि जो हमारा यूथ है केवल गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में घुसा जा रहा है इज और और चांस चांस कि there is one or two percent chance कि आप आप जो है गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्ट सिलेक्ट होंगे और 98 to 99 percent chance कि आप नहीं होंगे टू नहीं जबकि कोई आदमी अपना बिजनेस शुरू करता है कोई अपना खुद का काम धंधा शुरू करता है तो स्टिल देर आर टेन परसेंट सक्सेसफुल हो जाएगा बट फिर भी जो है वन परसेंट में जो है लोग ज्यादा जा रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए ये जरूरी है कि आप कोचिंग लो

तो गड़बड़ है फिर फिर तो आपको भैया वो काम छोड़ के एक बार कोचिंग लेनी पड़ेगी थैंक यू सर यहां पर आने के लिए अपना समय निकालने के लिए मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर के थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच